हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम युगल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मारुति सुजुकी सिलेरियो के बारे में, जो कि कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई है और दिखने में काफ़ी डिफरेंट है। प्रीवियस मॉडल के हिसाब से काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पे गाड़ी के डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं कम्प्लीटली डिफरेंट लुक यहाँ पर आपको मिलेगा। इंटीरियर में आपको चेंजेस मिलता है, कुछ नए फीचर्स भी यहाँ पर एड ऑन करे गए हैं और गाड़ी की जो बूट स्पेस है, ग्राउंड क्लियरेंस है, एक दो नए फीचर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम बहुत ज्यादा क्लोज अप में 150 के सब्सक्राइबर के, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस सिलेरियो के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले गाड़ी के एक्सटीरियर से हम शुरुआत करते हैं। तो ये रही गाड़ी की की, वैसी की जैसे आपको मारुति की और गाड़ियों मिलती है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो, पीछे आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, बूट अनलॉक करने वाला बटन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल ओआरवीएम का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन ये उसी टाइप के, मतलब जब गाड़ी को मैं लॉक करूंगा तो ये ओआरवीएम फोल्ड आएंगे, अनलॉक करने पे ये खुलते नहीं है बाहर की तरफ को। तो जैसे एक बार गाड़ी को लॉक करके दिखाऊं आपको, तो आप देख सकते हैं इसकी ओआरवीएम फोल्ड हो चुके हैं, लेकिन जैसे लॉक करता हूं, मतलब अनलॉक करूं, तो देखें ये बाहर की तरफ खुलते नहीं है। तो ये इस टाइप के आपको ऑटो फोल्डेबल वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी अगर गाड़ी को आप कुछ इस एंगल से अगर देखें, तो यहाँ पे आपको हल्का हल्का जो लुक है वो ऑल्टो जो K10 है उसकी याद दिलाएगा, थोड़ा उससे सिमिलर लुक आपको यहाँ पर मिलता है। और गाड़ी के जो अलॉय व्हील्स है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, मतलब ब्लैक कलर के यहाँ पे 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, प्रीवियस मॉडल में आपको 14 इंच के मिलते थे। तो इस टाइप का डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिलेगा। अब खैर, सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट लुक की हम बात करेंगे। फ्रंट से देखेंगे तो एक जो स्विफ्ट है उसका एक छोटा एक मिनी वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। डिज़ाइन पूरा चेंज है, रीडिज़ाइन बम्पर आपको मिलेगा। फ्रंट में सबसे पहले हेडलैम्प्स की यहाँ पे हम बात करें तो पूरा आपको हैलोजन सेटअप मिलता है, यहीं आपकी लो बीम और हाई बीम है, ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, थोड़ा बूमरैंग स्टाइल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इस तरह से, देखें आप। बाकी नीचे फॉग लाइट मिलेंगे, टॉप मॉडल में आपको फॉग लाइट मिलते हैं, ये भी आपको हैलोजन में मिलेंगे। बाकी बम्पर का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, ग्रिल का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट मिलेगा, सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी फ्रंट पोर्शन से गाड़ी दिखने में अच्छी है और कोई भी ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको नहीं मिलता और रूफ एंटीना फ्रंट की तरफ को आपको मिल जाएगा। तो मॉडल्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको वही मॉडल्स मिलते हैं, LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस मॉडल। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये इसका ZXi प्लस मॉडल है, टॉप मॉडल, और इस मॉडल का आपको जो ऑनर प्राइस है वो पड़ जाता है अप्रॉक्स 7.5 लाख रुपये के बाद। ठीक है, यहाँ पर आपको और बेसिक इसके हिसाब से फीचर्स भी मिल जाते हैं। बाकी कलर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 6 कलर ऑप्शन इस गाड़ी मिलते हैं, ड्यूल टोन इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये इसका आर्कटिक वाइट कलर है, क्योंकि ठीक है अच्छा लग रहा है, हाँ ड्यूल टोन इफेक्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। तो फ्रंट की बात हमने कर ली थी और वेरिएंट्स की और कलर ऑप्शन की बात कर ली है। इंजन स्पेक की अब बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका बोनट को ज़रा खोलते हैं। तो अब आपको यहाँ पे मिलता है 1000 cc का 3 सिलेंडर डुअल जेट पेट्रोल इंजन। पहले यहाँ पे आपको 1200 cc का पेट्रोल इंजन मिलता था, हाँ ये गाड़ी अभी आपको CNG में नहीं मिलती है फिलहाल। और ये इंजन जनरेट करता है 67 bhp एंड 90 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि ठीक है अच्छी पावर डिलीवरी यहाँ पे आपको मिल जाती है। माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे, ये कंपनी इस कार पे 26 का माइलेज क्लेम कर रही है, मतलब काफ़ी इजीली इस कार से आप 20-21 का माइलेज निकाल लेंगे इस कार से, और सिटी में गाड़ी आपको काफ़ी इजीली 14 तक का माइलेज निकाल के दे देगी। बाकी इंजन काफ़ी स्मूथ है, रिफाइंड है, ऐसी नॉइज़ भी नहीं करता है। ऊपर देखेंगे तो कोई इंसुलेशन पैड भी आपको नहीं मिलता बोनेट में, ना ही इंजन के पीछे आपको एक जो इंसुलेशन होती है ब्लैक कलर की वो मिलती है, पर मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं, क्योंकि मारुति के हिसाब से गाड़ी काफ़ी रिफाइन है। नीचे देखेंगे तो कोई भी अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, तो ठीक है उन चीज़ों की वैसे फिलहाल होती कोई ज़रूरत नहीं है। इंजन भी काफ़ी स्मूथ रिफाइन है, चलाने में आपको इस कार को काफ़ी मज़ा आएगा। तो गाड़ी का फ्रंट लुक और इंजन स्पेक हमने देख लिया, अब साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। तो साइड में सबसे पहले व्हील्स की बात करेंगे, जो कि मेजर डिफरेंस है। तो अब आपको यहाँ पे 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, पहले यहाँ पर आपको 14 इंच के मिलते थे, अब आपको 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ब्लैक कलर के, एक नया लुक गाड़ी को मिल जा रहा है। और अगर यहाँ पे हम टायर प्रोफाइलिंग की बात करते हैं तो उस चीज़ को हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 175/60 R15 की आपको यहाँ पर प्रोफाइलिंग मिलती है, जो कि ठीक है गाड़ी के हिसाब से अच्छी प्रोफाइलिंग है। और यहाँ पर आपको योकोहोमा के टायर्स भी मिलते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। बाकी फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। और गौर करेंगे गाड़ी का जो व्हील बेस है वो ही पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से अब आपको अंदर ज़्यादा अच्छी स्पेसिंग भी देखने को मिल जाती है व्हील बेस की मदद से। और
गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अब बढ़ चुका है। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर अब आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। तो छोटे मोटे पॉट होल्स की अब आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जब गाड़ी लोडेड होगी तो गाड़ी को आपको थोड़ा आराम से लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट से गाड़ी थोड़ा बहुत इधर उधर लग सकती है। वैसे कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर गाड़ी को लुक को गौर करेंगे तो साइड से यहाँ पे जो डोर वाला पोर्शन है, अगर आप देखेंगे इतना जो डोर वाला पोर्शन है यहाँ पे, वो आपको हल्का हल्का जो सिलेरी है उसकी याद दिलाएगा। बाकी यहाँ पे एक थोड़ा कर्वी टाइप का डिज़ाइन मिलता है, जो कि ठीक है, मुझे इस एंट्री लेवल हैचबैक के हिसाब से ये जो टियागो है और सेंट्रो, उनके हिसाब से अच्छा लुक आपको मिल जाएगा। बाकी ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे आपको सेंट्रो वाला जो लुक है वो मिल जाता है देखने को। बाकी ये आप जैसे आपको बता रहा था, ये आपके वही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और ऑटो फोल्डेबल ORV वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। हाँ, डोर हैंडल आपको थोड़े ओल्ड फैशन टाइप में आपको देखने मिलते हैं, लेकिन दोनों तरफ ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है, मतलब सेंटर लॉकिंग और कीलेस एंट्री दोनों मिल जाएंगे। हाँ, बस इसका डिज़ाइन जो पहले वाली सिलेरियो में था डोर हैंडल का वैसा दे देते तो काफ़ी अच्छा, मतलब एक लुक बन जाता, लेकिन ठीक है। बाकी जो बी पिलर्स हैं ये आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे, अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं जैसे ये वाला मॉडल है। अगर आप नीचे के मॉडल लेंगे तो वो आपको वाइट कलर के मिलते हैं, मतलब जो बॉडी पेंट कलर है वो आपको मिलेगा। बाकी ये जो देख रहे हैं ये आई थिंक एक्सेसरीज़ का पार्ट है, इस तरह से आप एक्सेसरीज़ जैसे नीचे देख सकते हैं, इस टाइप की एक्सेसरीज इसमें लगवा सकते हैं आप। बाकी इस गाड़ी में आपको 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि अच्छी कैपेसिटी है, तो मतलब एवरेज भी आपको अच्छा मिल रहा है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको अच्छी मिलती है। बैक पोर्शन में चलते हैं तो यहाँ पे देखें तो गाड़ी का लुक काफ़ी डिफरेंट है। ये लुक थोड़ा हल्का हल्का जो बलिनो है उसकी याद यहाँ पे आपको दिखेगा, मतलब जो डिज़ाइन है हल्का हल्का बम्पर का, थोड़ा टेल एंड का उसका डिज़ाइन दिख जाएगा। बाकी नीचे रीडिज़ाइन बम्पर मिलेगा, ये रिफ्लेक्टर्स होगा। रिफ्लेक्टर में आपको अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, इस तरह से दो पार्किंग सेंसर मिलेंगे, इस तरफ और एक उस तरफ, दो ही मिलते हैं। तो इस तरह से अच्छा हाइट भी कर रखा है, तो लुक भी ख़राब नहीं हो रहा, पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कोई एक्सेसरीज का पार्ट नहीं है, ये बॉडी डिज़ाइन है, यहाँ पे लुक के लिए लगा रखा है, तो इस वजह से भी एक अच्छा लुक गाड़ी को मिल रहा है, बम्पर में एक अच्छा लुक आ जा रहा है। बाकी देखेंगे तो टेल लैम्प में कोई भी LED का यूज़ नहीं हो रखा, नॉर्मल हेलोजन टेल लैम्प आपको मिलते हैं। गाड़ी में किसी में कहीं जगह कहीं भी LED का यूज़ नहीं है, लेकिन इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। सुजुकी का लोगो हो गया, सिलेरियो यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलता है इस तरह से। बूट अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाएगा इस तरह से, ये भी थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप का है। ऊपर देखेंगे तो डिफॉगर मिलेगा आपको, रेयर वाइपर मिलता है, ऊपर आपको वाटर का नॉजल भी मिल जाएगा। हाँ, बस अगर यहाँ पे अगर थोड़ा स्पॉइलर लग जाता ना तो पीछे का लुक काफ़ी अच्छा होता, लेकिन ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। बाकी एग्जॉस्ट टेल पाइप आपको इस तरफ को देखने को मिलता है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं गाड़ी की बूट स्पेस के बारे में, इसको ज़रा अनलॉक करते हैं। ओके, खुला नहीं, सेंसर है। तो अब आपको यहाँ पे पहले से ज़्यादा बूट स्पेस मिलती है, यहाँ पर आपको 313 लीटर की बूट स्पेस मिलेगी। आप देखें तो काफ़ी अच्छी स्पेसिंग है, काफ़ी डीप है, आप देखें काफ़ी डीप स्पेसिंग है, तो अच्छा खासा लगेज भी यहाँ पर आप कैरी कर लेंगे। और यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको 60-40 स्लिट सीट का भी ऑप्शन मिलता है, तो अपने स्पेसिंग के अनुसार भी सीट को आप एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये पार्शल ट्रे हो गई, आई थिंक ये पार्शल ट्रे जो नीचे जैसे LXi मॉडल है वहाँ नीचे आपको नहीं मिलेगी, शायद ऊपर के मॉडल्स में ही मिलती है, लेकिन ठीक है, स्पेसिंग आपको यहाँ पर अच्छी मिल जा रही है। बाकी नीचे आपको वही 14 इंच का स्टील रिम मिलेगा जाती है। तो गाड़ी का जो ओवरऑल एक्सटीरियर है वो देखा। हाँ, एक चीज़ और मेंशन करता हूँ, इसकी जो डोर है उन वो पहले से ज़्यादा हैवी फील होते हैं, आपको दिखाऊँ मैं अनलॉक करता हूँ जरा गाड़ी को। तो जैसे अगर आप गाड़ी को लेंगे जब परचेज़ करने आएंगे तो जब आप डोर को खोलेंगे तो इनमें आपको थोड़ा थोड़ा हैवीनेस फील होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू कंपनी इसकी जो डोर की क्वालिटी है, डोर की जो क्वालिटी है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर रखी है। तो जब इसको चलाएंगे, मतलब डोर को ओपन करेंगे, हिलाएंगे, तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि हाँ यार, थोड़ी मतलब जो क्वालिटी है वो अच्छी लगेगी, मतलब स्विफ्ट से और जो ऑल्टो से क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी। बाकी सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो अपनी हाइट के अनुसार सीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाड़ी का जो ओवरऑल लुक है वो हमने देख लिया। पर्सनली मुझे जो इस लेवल में जो सेंट्रो आती है उससे तो काफ़ी अच्छी लगी गाड़ी। तो अब चलते हैं ड्राइवर सीट की तरफ को और देखते हैं इंटीरियर में क्या चेंजेस हैं और कौन कौन से फीचर्स आपको वहाँ मिलते हैं। तो इंटीरियर की बात कर लेते हैं तो दिखाऊं आपको कुछ इस तरह से, अब आपको जो गाड़ी का इंटीरियर वो देखने को मिलता है। काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, मतलब बहुत डिफरेंस है यहाँ पे, डिज़ाइन पूरा दूसरा मिलेगा आपको। हाँ, कोई ग्लॉसी फिनिशिंग ऐसा, पियानो फिनिशिंग ऐसी कुछ नहीं मिलती है। स्टेयरिंग की बात कर लेते हैं तो वही राउंड स्टेयरिंग आपको यहाँ पे मिलता है, उसमें वही एक तरफ को माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हाँ, ट्रिप मीटर वाले जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ट्रिप मीटर को आपको वही ओल्ड फैशन की तरह वहीं से सेट करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे जो कंट्रोल है इससे आप जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वॉल्यूम कम ज़्यादा, कोई मोड चेंज करना, म्यूट करना हुआ तो वो चीज़ आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी कॉल पिकअप करने के और वॉइस कमांड का बटन आपको
यहाँ पे मिलता है, बाकी कोई लेदर की स्टिचिंग ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा इस मॉडल में, और टिल्ट कर सकते हैं आप, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होता, मतलब अपनी रीच के अनुसार स्टीयरिंग को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे आपको वाइपर से कंट्रोल मिल जाएंगे, इधर आपको लाइट के कंट्रोल मिलते हैं, कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, वो काफ़ी अच्छी बात है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिलेगा, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। बाकी कुछ डमी बटन्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, और वो अभी उनको फोल्ड करने का, एडजस्ट करने का, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो बटन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ऑप्शन अच्छे मिल जा रहे हैं यहाँ पे। बस एक दिक्कत ये है कि इसमें जो लाइट की बीम एडजस्ट करने का बटन है, मतलब जो लीवर है, वो आपको यहाँ काफ़ी नीचे डैशबोर्ड में नीचे को मिल रहा है, जैसा आपको रेनॉल्ट की गाड़ी मिलता है। तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को भी अगर ऊपर रख देते तो काफ़ी अच्छा लगता, अगर आपको लाइट की बीम वैसे अगर एडजस्ट करनी है, जैसे इतने लोग नहीं करते, लेकिन करनी है तो गाड़ी रोक कर आपको करनी पड़ेगी, चलते चलते गाड़ी में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से उसका बटन थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। लेकिन डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन में थोड़ा अच्छा, मतलब और यहाँ पे देखें तो थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज कलर का टेक्सचर यहाँ पे दे रखा, डिफरेंट कलर है, ताकि हल्का सा एक फंकी लुक यहाँ पर आपको मिल जाए, थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। और अगर प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो वो आपको पता ही है मारुति की गाड़ी में कैसी होती है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा नीचे दब रहा है, जहाँ पे हम भगवान की मूर्ति ऐसे कुछ लगाते हैं, तो इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब प्लास्टिक और डिसेंट, ठीक ही कहूँगा, ठीक ठाक ही कहता हूँ मैं, कैसे कोई ख़राब नहीं है लेकिन ठीक है। और यहाँ पे हल्का सा टेक्सचर आपको मिल जाएगा, मतलब जैसे कार्बन फाइबर जो फिनिशिंग वाला टेक्सचर जो होता है, उसी टाइप का हल्का हल्का यहाँ पे फील मिल जाएगा आपको, वो कार्बन फाइबर वैसे है नहीं। बाकी सुजुकी का लोगो हो गया, और यहाँ पे देखें तो ये इसका स्पीडोमीटर है, थोड़ा पुराना टाइप का, लेकिन उतना ओल्ड फैशन भी नहीं लग रहा। गाड़ी को एक बार ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं स्टार्ट स्टॉप का, तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ आपको शो होती है, ये स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे वॉइन लाइट्स आपको नीचे इस तरह से सब शो हो जाएंगी, और जो ये वाला छोटा वाला पोर्शन देख रहे हैं ये एक्चुअल में डिजिटल में है, ये आपको ऐसे एनालॉग में नहीं मिलेगा, यहीं पे आपको गाड़ी का जो आरपीएम है वो शो हो जाता है, और ट्रिप मीटर भी वहीं पर है, मतलब गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, टाइम हो गया, गाड़ी में फ्यूल कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, मतलब ये जो चीज़ें होती हैं बेसिक चीज़ें, वो सब आपको यहीं पर शो हो जाएंगी। इस चीज़ को अगर आपको सेट करना है, ट्रिप ए ट्रिप बी जो हम सेट करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे इस तरह से सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे रेंज हो गया, ट्रिप ए ट्रिप बी किलोमीटर्स हो गए, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। मतलब ठीक है, मतलब यहाँ पे हल्का हल्का, मतलब जो वैगनार वाला जो फील है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है, मतलब ऐसा लगता है स्टेयरिंग जो हो गया और जो स्पीडोमीटर है, ऐसा लग रहा है वैगनार में से ले रखा है, मतलब देखा तो गाड़ी की कई सारी चीज़ें कॉपी मतलब दूसरी कारों से कर रखी है। बाकी विजिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, विजिबिलिटी आपको अच्छी मिल जाती है, देख सकते हैं मतलब विंडशील्ड का साइज अच्छा है, पूरा बोनट आप क्लियरली देख सकते हैं, मतलब कहीं से ऐसी कोई ब्लॉकेज नहीं है, मतलब जो ए पिलर की वजह से जो ब्लॉक है ऐसा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब पार्किंग करते समय, ट्रैफिक में चलाते समय आपको जो विजिबिलिटी है वो आपको यहाँ से अच्छी मिल जाएगी। बाकी ये वही टच स्क्रीन हो गई जो एंड्रॉयड एप्पल दोनों को सपोर्ट करती है, मारुति गाड़ी में आपको इसी तरह का डिज़ाइन मिल जाएगा, यही वाली टच स्क्रीन आती है, बस फर्क इतना होता है जो बाहर का यहाँ पे का जो डिज़ाइन होता है वो हर गाड़ी का थोड़ा चेंज होता है, कहीं पे पियानो फिनिशिंग, ग्लॉसी फिनिशिंग मिल जाती है, किसी का डिज़ाइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक मिलेगा, बेखा से थोड़ा अगर ग्लॉसी फिनिशिंग या फिर पियानो फिनिशिंग देते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, मतलब थोड़ा लुक मतलब अच्छा होता। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से हल्का हल्का, मतलब जो बलिनो वाली फीलिंग है, मतलब बलिनो में जो डिज़ाइन होता है हल्का हल्का इसी टाइप का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो क्या पता वहाँ से थोड़ा सा इंस्पायर हो कि चला डिज़ाइन दे रखा है यहाँ पर आपको। बाकी यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का बटन है, पावर विंडो के बटन आपको ये मिल जाएंगे, और ड्राइवर साइड आपको वन टच डाउन और खाली वन टच डाउन मिलेगा, वन टच अप नहीं मिलता, बाकी जो विंडोज़ के हैं वो सब नॉर्मल रहेंगे। डोर को लॉक अनलॉक करने का बटन यहाँ पर मिल जाता है, और ये पीछे की चाइल्ड सेफ्टी वाला बटन यहाँ पर आपको मिलेगा। हाँ, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता, मैनुअल एसी यहाँ पर आपको मिलेगा, और नीचे आपको यूएसबी का और ऑक्स का पोर्ट मिलता है, और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, मतलब तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। थोड़ी स्पेसिंग है, अपना फ़ोन यहाँ पर आप रख सकते हैं, दो छोटे कप होल्डर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, और ये गियर नॉब हो गया 5 स्पीड का, यहाँ पे लेदर मिलता है। हाँ, इसका जो ऑटोमेटिक वाला जो मतलब गियर नॉब दे रखा है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है उस तरह का, जो गियर नॉब है जो डिज़ाइन है वो किसी और मारुति की गाड़ी में नहीं मिलता, तो डिज़ाइनिंग में यहाँ पे काफ़ी हद तक काम हो रखा है। हाँ, कोई आर्म रेस्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, हैंड ब्रेक हो गया, ऊपर देखें तो ड्राइवर साइड आपको कोई भी मिरर नहीं मिलेगा, एक स्ट्रैप मिल जाता है, तो कोई डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। को ड्राइवर साइड की तरफ देखें तो एक मिरर मिल जाएगा आपको, लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता, लाइट आपको खाली सेंटर में मिलेगी हेलोजन में, मतलब पीछे की तरफ को कोई लाइट का ऑप्शन नहीं है, लाइट का स्प्रे भी एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। बाकी ये आपको कोई ऑटो डिपिंग वाला नहीं मिलता, इस तरह से इसको आप इधर उधर जो भी एडजस्ट करना हो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ग्लव बॉक्स की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो ग्लव बॉक्स का साइज भी ठीक है, डिसेंट है। हाँ, ये कोई कूल ग्लव बॉक्स आपको नहीं मिलता, नहीं इसमें आपको कोई लाइट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर,
लेकिन देखा जाए तो मुझे पुरानी सिलेरियो से मतलब जो डिजाइन है वो मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब अगर जैसे इसकी जो कॉम्पिटिटिंग कार, इसमें बताया था आपको जो सेंट्रो है और जो टाटा टियागो है उसके मुकाबले अच्छा है। बिल्डअप क्वालिटी तो वैसी नहीं मिल पाती अब टियागो जैसी, लेकिन सेंट्रो के मुकाबले ये गाड़ी काफी अच्छी है स्पेसिंग के मामले में भी और लुक्स के मामले में भी। बाकी वही है, टच स्क्रीन आप वैसी चलाएंगे, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं, सारे फंक्शन आपको वैसे ही मिलते हैं सबको, मतलब और गाड़ी मिल जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर देखेंगे तो वही है, डिस्प्ले हो गया, टाइम हो गया, व्हीकल अलर्ट हो गया, अगर डिस्प्ले में जाएं यहाँ पर हम तो वही है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना हो गया, मतलब जो फंक्शन है वो सब बेसिक वाले वही आपको मिलते हैं। वॉल्यूम कम ज़्यादा करना हो, इसको ऑन ऑफ करने का हो तो यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा, इस तरह से सैटरडे है, नवंबर 13, मतलब ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। बाकी स्पीकर्स की बात करूं तो वही यहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, कोई भी ट्विटर का ऑप्शन नहीं मिलता। हाँ, अगर आपको इस गाड़ी की म्यूजिक क्वालिटी जाननी है तो इंस्टाग्राम में जाओ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे, तो उसको जाके चेकआउट करो, आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि इस गाड़ी की म्यूजिक क्वालिटी कैसी है, किसी भी और गाड़ी की म्यूजिक क्वालिटी कैसी है, तो जल्दी जाके चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको वही 2 एयरबैग्स मिलेंगे ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। बाकी यहाँ पर आपको ABS, ABD, जो ब्रेक असिस्टेंस, जो सेफ्टी फीचर्स हैं बेसिक, वही यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। हाँ, ऑटोमेटिक लेंगे तो वहाँ पे शायद 1-2 फीचर्स आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन जो इसके जो ZX, जो ज़्यादातर लोग जो लेंगे इसका जो LXi, VXi, ZXi 3 मॉडल जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं गाड़ियों के, उसमें आपको जो बेसिक फीचर्स हैं यही सेफ्टी में 2 एयरबैग्स हो गए, ABS, EBD, वही आपको मिलते हैं। ऑटोमेटिक में शायद आपको 1-2 फीचर्स ज़्यादा मिल जाएंगे। बाकी डोर में देखेंगे तो कोई मतलब वही है, पावर विंडो के बटन नहीं तो पूरा प्लेन यहाँ पे आपको मिलेगा, कोई भी सॉफ्ट टच यहाँ पे नहीं मिलता, हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, और ये भी आपको कोई क्रोम फिनिश में नहीं मिलेगा, हर जगह आपको प्लास्टिक ही मिलेगा यहाँ पे। इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंट टेक्सचर मिल जाता है, इसकी मदद से आप डोर को ओपन और क्लोज करेंगे। वाटर बॉटल होल्डर हो गया, तो यहाँ पे आप इजीली 0.5 लीटर की वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं, 1 लीटर वाली नहीं आएगी, थोड़ी स्पेसिंग है तो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। बाकी नीचे आप देखेंगे 3 पेडल आपको मिलते हैं और डायरेक्ट पेडल का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। बाकी सीटिंग कम्फर्ट की मैं अगर यहाँ पे बात कर लेता हूँ तो जैसे पता ही है आपको मेरी हाइट 6 फीट है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, काफ़ी बार बता दिया है मैंने, तो जो लोग नए हैं उनको बताया था मेरी हाइट 6 फीट है, तो उस हिसाब से अच्छा कंफर्ट यहाँ पे मुझे मिल जा रहा है। और कि ऐसा नहीं कि अगर मैं थोड़ा पीछे होकर बैठूंगा तो पीछे जो लेगरूम स्पेस है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेगरूम स्पेस मुझे अच्छा मिल जाता है। अगर मैं थोड़ा पीछे होता हूँ, टिल्ट करता हूँ सीट को, तब भी पीछा अंदर कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है, और अंदर थाई सपोर्ट हो गया, बैक सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, लेकिन इनकी हाइट लंबी है, पर मेरे सबसे एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो देनी चाहिए टॉप मॉडल्स में। हाँ, बाकी जो हेडरूम स्पेस है वो भी आपको अच्छी मिल जाती है। हाँ, फिक्स ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको प्रोवाइड होते हैं, बस ड्राइवर साइड की तरफ को आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलेगा। तो फ्रंट पोर्शन हमने देख लिया है, फ्रंट पोर्शन अच्छा है, ठीक है, अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जा रही हैं आपको। अब बैक सीट में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे सीटिंग कंफर्ट आपको कैसा मिलता है। तो पीछे की सीट पे मैं आ चुका हूँ, पैसेंजर सीट्स में, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीट मैंने थोड़ा पीछे की तरफ को कर रखी है, तब भी आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लेगरूम स्पेस मिल जा रहा है। अगर सीट को थोड़ा सा आगे कर देंगे तो अच्छा लेगरूम स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो जिनकी हाइट छोटी है तो उनको तो कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, मतलब लेगरूम स्पेस के मुकाबले में। हाँ, बैक सपोर्ट में मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अगर सीट पीछे की तरफ को और होती तो बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो जाता। तो अगर सिटी ड्राइविंग के हिसाब से मैं अगर इस कार को देखूं और पीछे जो बंदे बैठे होंगे तो उनको तो कंफर्ट अच्छा मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टूर में जो पीछे लोग बैठे होंगे और खासकर अगर वो लंबे हैं और या फिर चौड़े हैं तो उनको बैक सपोर्ट कुछ खास अच्छा नहीं मिल पाएगा, और यहाँ पे कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं है तो हेड सपोर्ट भी उतना बेहतर नहीं मिल पाएगा। हाँ, लेकिन हेडरूम स्पेस यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाता है और अंदर थाई सपोर्ट भी आपको डिसेंट मिल जाएगा, तो लंबे चौड़े लोगों के हिसाब से पीछे जो स्पेस, जो कंफर्ट है, सीटिंग कंफर्ट, वो आपको डिसेंट मिलता है। हाँ, सीट की जो कुशनिंग है वो आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन अगर इनकी जो लेंथ है थोड़ी सी अगर ज़्यादा होती तो काफ़ी बेहतर रहता। बाकी लेगरूम स्पेस भी ठीक है, डिसेंट है लंबे लोगों के हिसाब से। बाकी इसमें सीट कवर्स लग रखे हैं और इसमें कोई पॉकेट्स नहीं है, ये एक्चुअली नॉर्मल्स हैं, इनमें कोई आपको सीट पॉकेट्स नहीं मिलती यहाँ पर। और बीच में जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब सिलेरियो में, मैंने आपको कहा था कि पीछे की जो पावर विंडो के बटन है वो आपको यहाँ पे सेंटर में मिलेंगे, मतलब डोर्स में नहीं मिलते। ये काफ़ी डिफरेंट है कि ज़्यादातर गाड़ियों में देखेंगे या फिर रेनॉल्ट की गाड़ी में देखेंगे तो जो विंडो के बटन होते हैं पावर विंडो के वो सेंटर में आपको मिलते हैं खाली फ्रंट के लिए। अगर पीछे के शीशे हैं तो उनके जो कंट्रोल होते हैं वो आपको दरवाजे में मिल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ के भी जो कंट्रोल हैं वो आपको सेंटर में मिलते हैं। और मेरे ख्याल से ये चीज़ को डोर में ही रखना चाहिए था, यहाँ पे जैसे चार्जिंग सॉकेट हो गया या फिर जो वाटर बॉटल होल्डर होता है वो चीज़ ही देनी चाहिए थी, वो मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, मतलब ठीक लगता है। हम अगर खुद भी देखें तो हमको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है यहाँ पे।
पर ये थोड़ा मतलब डिफरेंट है, अगर आपकी सोलर पावर विंडो जरा भाई शीशा नीचे करना जरा, तो यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। यहाँ चार्जिंग सॉकेट और ये कहते हैं वाटर बॉटल होल्डर देना चाहिए था, इन चीज को डोर में ही देना चाहिए था, मतलब ये चीज यहीं पे सूट करती है। पर ठीक है, यहाँ पे आपको मिलता है, इसकी आदत पड़ जाएगी आपको, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। और जैसे बता दूं आपको, जो बंदा बीच में बैठता है तो वो भी अच्छे से बैठ सकता है, मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखें कोई ऐसा हब नहीं है, तो उसके पैर भी मतलब थोड़ा फैला के बैठ सकता है, और अगल बगल भी स्पेसिंग है, तो मेरे ऐसे दो लोग भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। हाँ, अगर मोटे लोग हैं, मतलब जो हेल्थी लोग हैं वो बैठेंगे, तो उनको काफ़ी मतलब कंजेस्टेड होकर बैठना पड़ेगा, लेकिन जो पतले लोग हैं वो तीन पीछे आराम से बैठ सकते हैं। तो देखा है, तो पाँच लोग यहाँ पर आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीछे की तरफ से जो फ्रंट का व्यू है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे भी आपको वही वाटर बॉटल होल्डर मिल जाएगा, थोड़ी सी स्पेसिंग है, पीछे भी कोई सॉफ्ट टच नहीं मिलता, हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। नीचे आपको स्पीकर मिल जाता है और ऊपर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। बाकी विंडो का साइज देखेंगे तो विंडो का साइज भी अच्छा है, तो विजिबिलिटी भी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है। बस ये कि पीछे अगर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते तो काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे। तो ओवरऑल देखा है गाड़ी काफ़ी अच्छी है, मतलब पहले के मुकाबले ये इसमें आपको स्पेसिंग ज़्यादा अच्छी मिल जा रही है, पहले के मुकाबले फीचर्स यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा मारुति की और गाड़ी को मिला के एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाता है आपको। ऑटोमेटिक जाएंगे तो वहाँ पे, और यहाँ पे बस आपको एक जो गियर नॉब का डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। और इस प्राइस रेंज के अंदर मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये गाड़ी बन चुकी, क्योंकि देखा है तो यहाँ पे बस एक टियागो थी और एक सेंट्रो थी, लेकिन सेंट्रो में वही था, स्पेसिंग उतनी नहीं मिल पाती, और फिर अगर आप ऊपर के मॉडल में आएंगे तो वही है कि छोटी गाड़ी इतने महंगे प्राइस में ले लिए तो फिर स्पेसिंग भी उतनी नहीं मिल पाती, और उतने में आप कोई और गाड़ी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा चॉइस है, माइलेज भी आपको बहुत अच्छा दे देती है। तो मेरे हिसाब से जिनका बजट 5-6 लाख, 6.5 लाख तक का है, 6 लाख तक का है, तो उनको इस कार को जरूर लेना चाहिए, यहाँ पे आपको एक अच्छी स्पेसिंग वाली माइलेज वाली गाड़ी मिल जाती है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको जो हमारे इस गाड़ी के ऊपर इंप्रेशन था वो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।